पर स्टॉल लगाने को लेकर भीड़े, भाजपा मंच से कार्यकर्ता, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। गुरुवार देर रात ठाणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हो गया। दोनों दलों के लोग ने बीच बचाव करने आई पहुंची पुलिस टीम के साथ भी हाथापाई की। मामला बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। ठाणे के नोपाड़ा इलाके में मनसे का कार्यालय है, जिसके आसपास के फुटपाथ पर मनसे के लोगों ने गांव से आए किसानों को आम बेचने के लिए स्टॉल लगाने का बंदोबस्त किया था। इसके चलते सड़क पर चलने वालों को असुविधा हो रही थी। इसे अवैध बताते हुए भाजपा कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। देर रात भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एंटी एनक्रोचमेंट टीम को बुला लिया, जिन्होंने स्टॉल को हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और भाजपा व मनसे के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे से मारपीट की। एक तरफ मनसे के लोगों की तरफ से चौकीदार चोर है के नारे लगने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ से भाजपा की तरफ से राज ठाकरे हाय हाय के नारे लगाए जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पहले दोनों पक्षों के लोगों पर लाठीचार्ज किया और फिर एक दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय 24 न्यूज़।